हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए जो आपको स्किल असेसमेंट लेनी होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर की स्किल असेसमेंट के बारे में। अगर आप इंडिया में अपना प्रोडक्शन एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उसकी असेसमेंट लेनी है वो हम आपको बताएंगे। सो सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन मैनेजर की असेसमेंट है, अगर आप ऑफशोर से असेसमेंट लेना चाहते हैं तो आपको जो है वेट सेस के थ्रू जाना होता है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की असेसिंग बॉडी है जो आपके ऑक्यूपेशन को असेस करती है और देखती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के बराबर है, इक्वलेंट है या नहीं। और इसके अलावा जो आपके वर्क एक्सपीरियंस या जॉब ड्यूटीज़ होती है उन सारी ड्यूटीज़ को असेस करके आपको जो ऑस्ट्रेलिया की उस ऑक्यूपेशन के लिए ड्यूटीज़ होती है उनसे मैच करके आपको जो है असेसमेंट देती है। तो अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो सकती है। ये नहीं है कि आपको मैनेजिंग में MBA या BBA की डिग्री चाहिए, आप इंजीनियरिंग या IT बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी इस टाइम वर्किंग फील्ड है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में होनी चाहिए। तो उसमें आपको पूरे सप्लीमेंट्री प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपको जब उसको अपने वर्क एक्सपीरियंस को क्लेम भी करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी होती है जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट्स हो रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री प्रूफ्स होते हैं आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स इंडिया से प्रोवाइड करनी होती हैं, और अगर आपके जो एम्प्लॉयर हैं आपका कोई टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं तो आप फॉर्म 16 या TDS के जो है डॉक्यूमेंट्स वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रूफ होता है, जैसे कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो है अपनी असेसमेंट अप्लाई कर रहा है तो उनको सुपर एनुएशन वो मांगते हैं, तो इंडिया में वही जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है वो EPF या PPF होता है, तो आपको उसकी स्टेटमेंट्स देनी होती हैं और बताना होता है कि आपको हर महीने इतना जो है EPF या PPF अपने एम्प्लॉयर से आ रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जॉब ड्यूटीज़ को मैच करने के बाद ही जो आपको असेस करने के बाद ही जो है आपकी असेसमेंट अप्लाई हो जाती है। सो जब आप अपनी वेबसाइट में असेसमेंट के लिए अपनी प्रोफाइल भेजते हैं तो उसमें जो सबसे जरूरी चीज़ होती है वो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो है रेलिवेंसी बननी चाहिए उस ऑक्यूपेशन की, आपकी जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस ऑक्यूपेशन से मैच होनी चाहिए। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं अपनी जो है स्किल असेसमेंट के लिए थ्रू वेटसेस, तो जो वहाँ पे एजेंट्स हैं वो आपसे 1500 से $2000 चार्ज कर लेते हैं सिर्फ एक जॉब ड्यूटीज लिखने के। तो हमारी इस चीज़ में पहले ही एक्सपर्टीज है, हम जैसे बहुत सारी असेसमेंट्स करवा चुके हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स ले चुके हैं। तो अगर आप भी अपनी जो है असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो डोंट डू मिस्टेक इन योर प्रोफाइल्स, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी जो है स्किल्ड प्रोफाइल अपना रिज्यूमे और अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके हमारे से अपनी जो है असेसमेंट करवा सकते हैं कि आपका जो ऑक्यूपेशन है किस स्किल के लिए सूटेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।